मलेशिया के वेटलिफ्टर हिदायत मोहम्मद के पिता, वो भी एक जाने माने वेटलिफ्टर रहे हैं, उन्होंने रजत पदक जीता। और सुनील सराहना की जानी चाहिए, बिल्कुल खेल विरासत में मिला है इनको भी और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शैक डैक्सिनी को भी। एक शख्स जिसको खेल विरासत में नहीं मिला, खेल इनको विरासत में भले ही ना मिला हो, लेकिन आने वाले पीढ़ियों को ये प्रेरित जरूर करेंगे। 20 साल की आयु में अचिंत शिवली बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं। मुबारक मुबारक मुबारक। अद्भुत प्रदर्शन, न सिर्फ गोल्ड जीता बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिल जीते हैं आज अचिंत शिवली ने। एक ऐसा प्रदर्शन जो शुरू से लेकर आखिर तक भारत का वर्चस्व कायम रहा, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि शायद वो अचित दूसरे या तीसरे नंबर पर निकल सकते हैं। सराहना सपोर्ट स्टाफ की भी की जानी चाहिए। किसी भी एथलीट की जिंदगी में इस तरह के लम्हे बहुत दुर्लभ आते हैं, जब उसके लिए देश का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बजाया जाता है, और वही आज अचिंत के लिए हुआ। पुरुषों की 73 किलो की मेडल सेरेमनी, भारत के अचिंत शिवली गोल्ड, मलेशिया के हिदायत मोहम्मद सिल्वर, और शाद दासिकी कनाडा के जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सपोर्ट स्टाफ का जो मैं जिक्र कर रहा था सुनील, वो वजह ये थी कि कैलकुलेशन पे कहीं गलती नहीं होने दिया, कोई जोखिम से भरा कैलकुलेशन नहीं होने दिया। तीसरा दिन कॉमनवेल्थ गेम्स का, 6 मेडल भारत को मिले हैं जिसमें से 3 गोल्ड हैं, और 6 के 6 मेडल अब तक वेट लिफ्टर ने लाकर दिए हैं। 20 साल की आयु में भारत का प्रतिनिधित्व किया अचिंत शिवली ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, और बिना किसी स्पोर्टिंग बैकग्राउंड के खुद की प्रेरणा खुद बनकर इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और वेटलिफ्टिंग में 6 मेडल के साथ भारत वेटलिफ्टिंग के अंदर सरे फहरिस्त है, नंबर 1 है। मलेशिया को आज पहला सिल्वर मिला है, वो नंबर 2 पर है। नाइजीरिया में अच्छी खासी शक्ति है, नंबर 3 पर है।